हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छा लग रहा है? चैप्टर बढ़िया लग रहा है? ओके, तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है, डेट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट? मोमेंटम क्या होता है? डेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ऐसे होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, ये हमने किया हुआ है, ठीक है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने क्या बोलना है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? कहता है टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। टोटल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, रिमेन्स कंजर्व और कॉन्स्टेंट। यहां पर कंजर्व, VED, राइट? या हमको बोलते हैं रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्लियर? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और कॉन्स्टेंट। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। अगर लग भी रही है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर क्या होंगे? जीरो। जैसे मान लो कि बॉडी ये है, इसके ऊपर इधर से ही फोर्स लग रही है, इधर से ही फोर्स लग रही है, नंबर ऑफ फोर्सेज लग रही है, बट जब हम इसका नेट लेंगे, नेट फोर्सेज मैंने आपको बताया था ना, तो नेट फोर्स इसमें क्या होगी? जीरो होगी। या तो इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, कोई भी सिस्टम है, या उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो। समझ आ गई? जो हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, या तो उसके ऊपर फोर्सेस जो हैं, जितनी फोर्सेस लग रही हैं उन सभी का सम क्या हो? जीरो हो, या उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है? तो आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन क्या हुई? अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, ठीक है, क्लियर? सिंपल सी बात रखनी है, बस याद रखना है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि ऑन विच नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अ सिस्टम ऑन विच नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, या अ सिस्टम ऑन विच नो नेट फोर्स एक्ट, राइट? क्लियर? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। सिंपल सी बात, अगर आप सिंपल बोलते हो कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आपकी बुक में आइसोलेटेड नहीं लिखा होगा, उन्होंने बोला होगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव ऑन अ सिस्टम इज जीरो, मैंने आइसोलेटेड जोड़ दिया, डेफिनेशन छोटी बन गई, और आइसोलेटेड मैंने आपको बता दिया। अगर आप ये डेफिनेशन लोगे आपको पूरे मार्क्स देंगे, क्योंकि सभी को पता होता है आइसोलेटेड क्या होता है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि वो सिस्टम जिसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं? जीरो होती है। उसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगाओ लेकिन नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। जैसे मान लो एक बंदा, उसको 10 न्यूटन से कोई इधर से खींच रहा है, 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 15 न्यूटन से इधर को खींच रहा है, 15 न्यूटन से इधर को खींच रहा है, तो वो वहीं पर रह रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं है, राइट? वो सिस्टम क्या बन गया? क्या बन गया? आइसोलेटेड सिस्टम बन गया, राइट? क्लियर? अब आपने देखा होगा, अब हम इसको देखेंगे कि इसमें जो हम बोल रहे हैं कि इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी? जीरो होगी, राइट? नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब इसमें एफ नेट जो है वो क्या होगा? जीरो होगा, तब हम लॉ जो है ये अप्लाई करेंगे, राइट? अदरवाइज ऐसे नहीं लॉ अप्लाई होगा, हमें बोलना पड़ेगा कि हमारे पास सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आप ये टर्म नहीं लिखोगे तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, ओके, क्लियर? अब आपने देखा होगा कि हमारे पास एक बॉल है, मैं अब आपको ये समझा रहा हूं, इसको ये नोट कर लिया आपने, कर लिया होगा तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इतनी देर होगी मैं इसको बताते हुए। अब आपने ध्यान से सुनना है मेरी बात, ठीक है? सपोज करो मेरे पास एक बॉल है, ये ग्राउंड है, भाई ध्यान से समझना है इसको बेटा, ठीक
ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन इसका थोड़ा सा लेंथी है, मैं उसको शॉर्ट करके आपको समझाऊंगा। ये मेरे पास एक बॉल है बी और इधर एक बॉल है ए। ये बॉल जो है वो रेस्ट के ऊपर है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। ये बॉल मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी यू वन, इसको यू टू कर लेते हैं। ये बॉल मूव कर रही है ए बॉल, तो जब ये इसके साथ जाके टकराएगी, अब देखो इस बॉल का मास है एम वन, इस बॉल का मास है एम टू। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मेरे पास दो बॉल्स हैं, उसमें से एक बॉल क्या है, रेस्ट के ऊपर है, दूसरी बॉल मूव कर रही है उसकी तरफ, राइट। अब जब ये बॉल ए बॉल इसके साथ टकराएगी जाके, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, राइट, नेचुरली इसकी वेलोसिटी कम होगी। ये रेस्ट के ऊपर थी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई, मतलब जीरो से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, इसकी कम हो गई, इसकी बढ़ गई। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जब जो मूविंग बॉल है, जब ये कोलाइड कर रही है विद अनदर स्टेशनरी बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या हुआ, जब वो कोलाइड कर गई, व्हाट हैपेंस आफ्टर द कोलिजन, द मूविंग बॉल विल स्लो डाउन, राइट। जो मूविंग बॉल थी दैट विल स्लो डाउन, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, मीन्स इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस स्टेशनरी बॉल। जब ये इसके साथ स्ट्राइक की तो इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये तो पता है ना, तो सभी को पता है कि यहां पर एक स्टेशनरी बॉल है, मूविंग बॉल उसके बीच में टकरा रही है आगे, तो जो मूविंग बॉल है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जो यहां पर बॉल है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम जो है बॉडी का चेंज हुआ। इसका मोमेंटम पहले कितना था, एम वन यू वन, इसका मोमेंटम क्या था, जीरो, क्योंकि मोमेंटम क्या होता, मास इनटू वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, एम टू इंटू जीरो, जीरो। अब बाद में जब ये स्ट्राइक कर गई, ये लो, ड्यूरिंग कोलिजन जब ये स्ट्राइक कर गई, उसके बाद इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो गई, तो जब ये स्ट्राइक की, ए बॉडी की वेलोसिटी बन गई बी वन और बी बॉडी की वेलोसिटी बन गई बी टू। इसका मतलब U1 और V1 में क्या है कि जो V1 है दैट इज लेस देन U1, ये मैंने बताया, और जो V2 है, V2 जो V2 है हमारे पास दैट इज ग्रेटर देन U2। समझ आ रही है मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, क्या लिखा मैंने कि इसकी वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन हो गया तो इसकी वेलोसिटी बन गई V1, इसकी वेलोसिटी बन गई V2। अब U1 पहले ज्यादा थी लेकिन कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसका मतलब जो V1 है वो U1 से क्या है, कम है। इसकी U2 जीरो थी लेकिन बाद में इसकी वेलोसिटी स्ट्राइकिंग के बाद क्या बन गई, आफ्टर स्ट्राइकिंग, आफ्टर कोलाइडिंग, तो V2 बन गई, तो V2 तो नेचुरली U2 से ज्यादा क्योंकि बॉडी अब मूव कर गई, तो यहां पर मैंने क्या लिखा कि V2 इज ग्रेटर देन U2। अब क्या हुआ कि जब जो दोनों बॉडी कोलाइड की तो इनके मोमेंटम चेंज हो गए, पहले इसका मोमेंटम कितना था m1 u1, बाद में मोमेंटम कितना बना m1 v1, ध्यान से समझना, बाद में हम एक्सप्रेशन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि a बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ, सिमिलरली b बॉडी का भी मोमेंटम क्या हुआ, चेंज हुआ, पहले उसका मोमेंटम जीरो था, बाद में कितना आया m2 v2, मतलब आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया, ए बॉडी का भी मोमेंटम चेंज हो गया, बी बॉडी का भी मोमेंटम चेंज हो गया। मेरी बात समझ रहे हो, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, पहले था एम वन यू वन, बाद में कितना हुआ एम वन बी वन, ये ए बॉडी का कर रहा हूं। बी में पहले मोमेंटम क्या था, जीरो, बाद में क्या हुआ एम टू बी टू, मोमेंटम तो चेंज हुआ, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है कि अगर इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है सिस्टम के ऊपर, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। मतलब हमारे पास दो बॉडी, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, ये बॉडी रेस्ट के ऊपर, इसके ऊपर ट्राई की आगे की तरफ, ये चली, जो पहले मोमेंटम था बिफोर कोलिजन पूरे सिस्टम का, ए का भी और बी का भी, मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन। मतलब कोलिजन से पहले दोनों बॉडी का, क्योंकि दोनों बॉडी एज अ सिस्टम है, दोनों का मोमेंटम, और आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम वो क्या थे,
बराबर होंगे. मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ये मैं आपको बताने जा रहा था. तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब हम इसको प्रूव करेंगे. ध्यान से सुनना, फास्ट करूंगा क्योंकि मैंने सारी बातें आपको जो है वो बता दी है. अब हम इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है इसको प्रूफ करेंगे. तो आपने ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा क्योंकि मेन चीज तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है. अब प्रूफ करेंगे इसका. प्रूफ में हमने क्या करना है, पहले दो बॉडीज लेनी है, ठीक है. ये एक बॉडी है जिसका मास क्या है, एम वन. ये इधर ले लेता हूं, है ना, ताकि हमारा जो है डायग्राम बढ़िया ढंग से बन जाए. डायग्राम फटाफट बना देना, फिर मैंने इसको मिटा देना है. ये बॉडी है जिसका मास m1 है, राइट. एक ये बॉडी है जिसका मास क्या है, m2. इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1. इनिशियली u1 कर लेते हैं ना, u1 इसकी वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी है u2, लेकिन वो जीरो है बिकॉज ये रेस्ट के ऊपर है, यही बोला, ठीक है, राइट. ये था बिफोर कोलिजन. पहले डायग्राम बना लेना बेटा, बिफोर कोलिजन, ठीक है. इतना पोर्शन जो था दैट इज बिफोर कोलिजन. अब जब ये आपस में स्ट्राइक कर गई, ये दैट इज ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, राइट. अब ऐसा थोड़ा होता है कि वो जब स्ट्राइक कर गई तो ऐसे चिपकी रहेगी. नो, स्ट्राइक करने के बाद थोड़ी देर कोलिजन होता है. इसका मतलब ये कोलिजन जो हुआ वो डी टी टाइम के बीच में हुआ, स्मॉल टाइम, डेल्टा टी भी बोल सकते हैं. डी टी का मतलब क्या है, यहां पर आपने याद रखना है कि स्मॉल टाइम, ठीक है. डी टी टाइम के लिए इनका क्या हुआ, कोलिजन हुआ, ओके. अब ये इसके साथ कोलिजन कब होगा, जब यू वन जो है वो ग्रेटर देन यू टू होगा. ये तो सिंपल सी बात है. पिछले वाली बॉडी आगे वाली के साथ कब टकराएगी, जब पिछले वाली बॉडी की वेलोसिटी आगे वाली की बॉडी से क्या होगी, जैसे मान लो साइकिल के ऊपर जा रहे हैं, आपसे आगे आपका फ्रेंड जा रहा है, आप उसके साथ स्ट्राइक कब करोगे, उसको धक्का कैसे मारोगे, कैसे मारोगे, जब आपकी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी. तो ये तो अंडरस्टूड है कि इसकी वेलोसिटी इसके से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके ये क्या करेगी, कोलाइड करेगी. इसलिए मैंने बोला यू वन इज ग्रेटर देन यू टू, ओके. ये बात क्लियर होगी. अब ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, ये बॉडी जो जिसका मास एम वन है, राइट, इसको बॉडी को हम ए मार रहे हैं, इसको बी मार रहे हैं, ये ए बॉडी, ये बी बॉडी. ए बॉडी जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और बी बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है. इसका मतलब एफ ए बी क्या है, व्हाट इज एफ ए बी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए बाय बॉडी बी, और इसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है एफ बी ए. ध्यान से सुनना, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है वो कौन सी है, एफ ए बी. ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है दैट इज एफ बी ए, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए, ओके, समझ आई. ये है ड्यूरिंग कोलिजन. ड्यूरिंग कोलिजन दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रही हैं. ये जो बॉडीज हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रही हैं, फोर्सेस लगा रही हैं, ओके, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. इतनी बात क्लियर होगी. अब आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये बॉडी बी वन वेलोसिटी से गई और ये बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, v2. इसका मास कितना है, m1. इसका मास कितना है, m2. ये बॉडी a, ये बॉडी b. दिस इज आफ्टर कोलिजन. ध्यान से समझना बेटा इसको, दिस इज आफ्टर कोलिजन, ठीक है. कोलिजन का मतलब पता है, स्ट्राइक करना. तो बिफोर कोलिजन हमारे पास ये था, ये ड्यूरिंग कोलिजन था. ड्यूरिंग कोलिजन एक दूसरे के ऊपर वो क्या लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे. और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो क्या होगी, चेंज होगी. इतनी बात क्लियर होगी, उनकी वेलोसिटीज क्या होगी, चेंज होगी आफ्टर कोलिजन. जो u1 था वो v1 में हो गया, जो u2 था वो v2 में हो गया, लेकिन ये पहले रेस्ट में ऊपर था. इतनी बात क्लियर होगी सभी को, ये डायग्राम क्लियर हो गया, ओके. अब हमने क्या करना है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन. क्या लिखेंगे हम, यहां पर लिख दूं, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन,
कितना होगा? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, बोलो। चल ये भी हम रेस्ट वाली भी बात छोड़ देते हैं, मैं इसकी वेलोसिटी ही यू टू मान लेता हूं, छोड़ो बाकी बात बाद में देखते हैं, स्पेशल केस बना के कर लेंगे। अब आप बोलोगे सर इसको रेस्ट में क्यों रखा, मत रखो, नो प्रॉब्लम, रेस्ट में नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमने इसको रेस्ट के ऊपर रखना है, हम ऐसे ही चलते हैं। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, ठीक है, अब ये रेस्ट में नहीं है, ये भी मूव कर रहा था, ये भी मूव कर रहा था, इसकी वेलोसिटी यू टू थी, इसकी वेलोसिटी क्या थी, यू वन थी, लेकिन ये इसके साथ तब टकराएगा जब इसकी वेलोसिटी इससे क्या होगी, ज्यादा, तभी टकराएगा, राइट, आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, तभी आप उसको क्या करोगे, कैच करोगे, फिर उसके पीछे क्या करोगे, कोलाइड कर जाओगे, राइट। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम कितना था, मोमेंटम क्या होता है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, ये समझ आई, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, इसका मास कितना है m1, वेलोसिटी कितनी है u1, इसका मास कितना है m2, वेलोसिटी कितनी है u2, तो मैंने क्या लिखा m1 u1 plus m2 u2, डन, लिख लिया, ओके, अब मैं मिटा रहा हूं उसको। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, अब मैंने आफ्टर कर दिया, ये सेकंड पॉइंट, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा m1 b1 प्लस m2 v2, u1 की जगह v1 आ गया और u2 की जगह क्या आ गया, v2 आ गया, ये मैंने लिखा m1 v1 प्लस m2 v2, यहां पर वेलोसिटी v1 है, यहां पर वेलोसिटी v2 है, राइट, क्लियर है, मेरी हैंडराइटिंग समझ आएगी, लेकिन आपने ध्यान से लिखना है, पहले था m1 u1 प्लस m2 u2, अब क्या आ रहा है आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, got it, क्लियर। तो ये हमारे पास टोटल मोमेंटम आ गया। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बोलता है वो कहता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये एक अनदर डेफिनेशन है, अगर आपने ये याद करनी तो ये भी कर सकते हो, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, मतलब इसने क्या बोला है कि m1 u1 प्लस m2 u2 दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, ये किसके बराबर होना चाहिए, m1 v1 प्लस m2 v2, ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन दैट इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, ओके, क्लियर, सो दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर, टोटल लीनियर मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चले आगे, अब हम इसको प्रूव करते हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये बोला ना मैंने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, हम यहां से स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है, इसको प्रूव कर देंगे, आप ध्यान से सुनना, मैं फार बॉडी ए लेके चल रहा हूं, ऐसे ही फार बॉडी बी करेंगे, मैं छोटा करके यहां पर लिख रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, ठीक है, क्लियर। तो मैं बोल रहा हूं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, ध्यान से सुना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, कि जो हमारे पास जो F है राइट, वो किसके बराबर होती है, dP by dt, ये छोड़ दो, ये ठीक है, dP आपको नहीं पता चलेगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए, ये किसके बराबर होगी, जो बॉडी ए के ऊपर फोर्स कर रही है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बोला ना, तो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए वो किसके बराबर होगी, चेंज इन मोमेंटम
ऑफ बॉडी ए ओवर कितने टाइम में, ये टाइम कितना लगा था हमारे पास डीटी, क्योंकि डीटी टाइम के लिए ये कोलिजन हुआ था। मैंने आपको बोला था कि स्मॉल टाइम के लिए क्या होता है, कोलिजन होता है। ऐसा हो रहा है कि बस और ट्रक टकरा रहे हैं तो, या बस के साथ कार टकरा रही है तो वो ऐसे चिपके हुए हैं, बस की और स्पीड हो जाती है, कार की और स्पीड होती है, वो इधर जाता है वो इधर जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्ट्राइक करते बस ऐसे ही कर रहे हैं बस ऐसे ही, नो ऐसा तो नहीं होता ना। जिसका मतलब जो कोलिजन होता है वो बिल्कुल स्मॉल इंटरवल के लिए होता है, थोड़े से टाइम के लिए, उसको हम डीटी बोल रहे हैं। दिस इज अ स्मॉल इंटरवल ड्यूरिंग विच जो कोलिजन हमारा था वो हो रहा था, उतने टाइम में कोलिजन हुआ डीटी टाइम में, उसके बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो हमारे पास क्या बना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बाय टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं इसको, राइट क्लियर। तो मोमेंटम हमने क्या बोला था कि एफ किसके बराबर होता है, डीपी बाय डीटी। डीपी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, डीटी क्या है, जितने टाइम के लिए कोलिजन हुआ, राइट क्लियर। तो हमारे पास यहां पर चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए किसके बराबर है, देखो चेंज इन फोर्स जो होती है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, ए की बात कर रहे हैं, तो ए बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, देखो पहले मोमेंटम कितना था ए बॉडी का, एम वन यू वन, पहले मोमेंटम कितना था, कितना था एम वन यू वन, बाद में मोमेंटम कितना हुआ, बाद में मोमेंटम कितना हुआ बताओ, एम वन वी वन। तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले इनिशियल लिखोगे एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन डिवाइडेड बाय डी टी, गॉट इट, समझ आ गई। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है यहां पर, देखो पहले हमारे पास मोमेंटम और बाद में मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एम वन वी वन माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डी टी। जल्दी से नोट करना इसको, मैं इक्वेशन वन लिख लेता हूं, चलो डन, समझ आ गई। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए, ए के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है बताओ, कौन सी फोर्स लग रही है, एफ ए बी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए दैट इज एफ ए बी। यही है ना, मैंने क्या बोला कि एफ ए बी क्या है, जो ए बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है ये फोर्स लग रही है, बी बॉडी के ऊपर ये फोर्स लग रही है। तो मैंने क्या लिखा, एफ ए बी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ओवर टाइम इंटरवल, जो हमारा टाइम इंटरवल है जिस टाइम के लिए लिया, तो मैंने डी टी लिख दिया उसको। इज दैट क्लियर, इक्वेशन वन नोट कर लिया आपने, वो पता चल गया, ठीक है, समझ आ गई। अब ये जो फोर्सेस होती हैं, ध्यान से सुनना, ये जो फोर्सेस होती हैं ये इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट, ध्यान से सुनना इसको, जो मैं बात आपको बोल रहा हूं उसको आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, ठीक, क्योंकि ये बॉडी और ये बॉडी, ये इसके ऊपर जितनी फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है उतनी फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है, मैंने बताया था आपको ग्रेविटेशन फोर्स, जितनी ये इसके ऊपर लगाएगा उतनी यही इसके ऊपर लगाएगा फोर्स। फोर्सेस जो होती हैं वो इक्वल एंड अपोजिट, जब दो बॉडी कोलाइड करती है तो एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगा रही है, ठीक है क्लियर। अब नेक्स्ट, ये नोट कर लिया आपने, उसके बाद फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बी ओवर, यहां पर क्या आएगा फोर्स, एफ बी ए, क्योंकि बी बॉडी के ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, एफ बी ए, और यहां पर क्या आ जाएगा, एम टू बी टू एम टू यू टू। अब बॉडी बी की बात कर रहे हैं, राइट, पहले मैंने बॉडी ए का सहारा लिया, क्योंकि बॉडी ए का मोमेंटम पहले कितना था, एम वन यू वन, बाद में कितना था, एम वन वी वन, तो चेंज कितना आया, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन। बॉडी बी में पहले मोमेंटम कितना था, एम टू यू टू, बाद में कितना था, एम टू बी टू, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, एम टू बी टू माइनस एम टू यू टू, ये बी टू है और ये क्या है, यू टू। इतनी बात क्लियर होगी, ओके क्लियर, ये सारा नोट कर लिया, इसको इक्वेशन मान लो आप, ठीक है क्लियर। अब मैंने क्या बोला, बट दीज टू फोर्सेस दे आर इक्वल एंड अपोजिट, जो एफ बी ए है इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, दोनों फोर्सेस जो हैं ये सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है,
अपोजिट है, किधर को जा रही है, किधर को जा रही है, मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ये मिटा दूंगा, अब हो गया, समझ आ गया ना। एस यहां पर लिख देता हूं, एस एफ बी ए एंड एफ ए बी फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट, सो एफ ए बी ये किसके बराबर आएगा, माइनस एफ बी ए के बराबर। ठीक है, एफ ए बी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एफ बी ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ए बी, एफ ए बी पुट कर दो, कितना है एफ ए बी, हम मैग्नीट्यूड में लेंगे सारा, राइट, ये वेक्टर हम नहीं लगाते हैं यहां पे। चल अब एफ ए बी कितना है, एफ ए बी आपने निकाला, देखो इक्वेशन वन, ये था एम वन वी वन माइनस एम टू वी टू ओवर डी टी, एफ बी ए माइनस साइन यहां पर एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू डिवाइडेड बाय डी टी, डी टी और डी टी कैंसिल, तो क्या बन गया ये एम वन वी वन एम टू वी टू टैट इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर चला गया, माइनस एम टू वी टू प्लस एम टू यू टू, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो पहले यू वन वाली टर्म, ये एम वन वी वन माइनस, ये कैसे आ गया, ये बन गया एम वन वी वन एम वन यू वन, ऐसे आ, यहां पर यू वन आ रहा है, ठीक है, यही था ना एम वन यू वन, क्योंकि पहले हमारे पास इनिशियल मोमेंटम माइनस, यही था नहीं कर रहा हूं इक्वेशन वन, ये बन गया माइनस एम टू वी टू माइनस के बाद प्लस बन गया, ये समझ आ गया, मतलब हमने यहां पर एफ ए बी की वैल्यू पुट की, यहां पर हमने एफ बी ए की वैल्यू पुट की, ध्यान से देखना। तो अब इसको इकट्ठा कर लो, तो क्या बन गया ये एम वन वी वन, ये वी वन वाली टर्म इधर ले आओ, ये बन गया एम टू वी टू, ठीक है, ये फिर यहां पर यार क्या हो रहा है, बताते भी नहीं हो आप, चुप करके बैठे हो, ये एम वन यू वन है, ठीक है, एम वन बी वन माइनस एम यू डी टी डी टी कैंसिल, ये एम टू बी टू माइनस एम टू यू टू, ये माइनस एम टू बी टू इधर आ गया प्लस बन गया, ये एम वन यू वन इधर जाके माइनस वाला है, तो ये प्लस बन जाएगा प्लस एम टू यू टू। तो अब इसको सजा के लिख लो थोड़ा सा, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू दैट इज इक्वल टू एम वन वी वन एम टू वी टू, तो क्या बन गया, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या है, व्हाट इज दैट, हाँ यस, दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम, मैं यहां पर लिख रहा हूं टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन, ये किसके बराबर है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन, पता चला, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन दैट इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन, तो हमने यही तो प्रूफ करना था, राइट, तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन किसके बराबर हो जाएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन, क्लियर। तो इसकी एग्जांपल्स भी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, रॉकेट प्रोपल्शन है, इन्फ्लेटेड बैलून है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पोस्ट करूंगा, लेकिन इसको आपने ध्यान से देखना, थोड़ा सा टिपिकल है, बोरिंग भी है टिपिकल भी है, लेकिन आपने बोरिंग नहीं बनाना उसको, आपने न्यूटन थर्ड लॉ को, न्यूटन सेकंड लॉ को अपने माइंड में रखना है कि हमें पता है कि जो फोर्स है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, चेंज इन मोमेंटम निकालो, उसको डी टी से डिवाइड करो, बॉडी पहले ए का निकालो फिर बॉडी बी का निकालो, पता है बॉडी ए के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, ध्यान से सुना मैंने क्या क्या किया, बस एक मिनट में आपको मैं ये याद दिलवा दूंगा, आपने अपने माइंड में रखना है कि एफ क्या होता है, डीपी बाय डीटी, डीपी का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम, डीटी आपको पता ही है, तो पहले बॉडी ए के ऊपर फोर्स लग रही है एफ ए बी, तो आपने ए बॉडी का मोमेंटम यहां पर लिख देना चेंज इन मोमेंटम, फिर आपने बॉडी बी का चेंज इन मोमेंटम लिख देना डिवाइडेड बाय डीटी, फिर दोनों को बराबर कर देना,
विद माइनस साइन, क्योंकि मैंने यहां पर माइनस साइन लिखाया, राइट। यहां पर ए बॉडी का मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम, यहां पर बी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम करके दोनों को बराबर करके आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल टेक्निक है, कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस डायग्राम आपको अगर समझ आ गया तो आपने ये देखना कि ए बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किसके बराबर होगी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी डिवाइडेड बाय डीटी। जो बी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है वो किसके बराबर होगी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी डिवाइडेड बाय डीटी। वो फोर्स किसके ऊपर लगेगी, बी। दोनों को बराबर कर दो विद माइनस साइन। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि दे आर इक्वल एंड अपोजिट। नहीं समझा इसको, दोबारा देखो, दोबारा देखो, थोड़ा सा टेढ़ा है, राइट। लेकिन आपके नाइन्थ के लेवल का मैंने नहीं करवाया, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा सा लेवल जो है वो आपका अप है, तो इसलिए इसको बार बार देखना है, पहले इसको लिखना है, राइट। जो जो मैंने बोला वो लिखना है कॉपी के ऊपर, तब जाके आपको समझ आएगा, ठीक है बेटा। ओके देन, गुड बाय, होप दैट कि आपको ये लेक्चर थोड़ा सा टिपिकल लगेगा और मजा भी आएगा। गुड बाय।